देश भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। अब तक करीब 64,000 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 2100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 19,500 लोगों को किया गया ठीक। आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे करेंगे सभी राज्यों के सीएम से बात। लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा। कोरोना काल में 5वीं बार है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा। सरकारी बैंकों के साथ आज निर्मला सीतारमण की बैठक। ग्राहकों को राहत देने पर होगी बात। बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना पर भी की जाएगी समीक्षा। कर्ज लेने वालों को ब्याज दर में कमी का फायदा पहुंचाने पर होगी बात। सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ा मौका। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड की अगली किस्त के लिए केंद्र सरकार ने 4,590 रुपए प्रति ग्राम किया तय। अप्रैल सीरीज में गोल्ड बॉन्ड का भाव था 4,639 प्रति ग्राम। लॉकडाउन के तीसरे चरण में ढील का सिलसिला जारी। आज से खुलेगी विदेश जाने की राह। गृह मंत्रालय से जारी नए निर्देशों के बाद अब पासपोर्ट आवेदकों को मिलेंगे अपॉइंटमेंट। इससे पहले 17 मई तक बंद कर दी गई थी सेवा। आज से राज्य के अंदर फ्री बस सेवा देगी महाराष्ट्र सरकार। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल प्रभ ने जानकारी देते हुए कहा, एक सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की होगी अनुमति। हर यात्री को मास्क पहनना और बस पर सवार होने से पहले अपने हाथ साफ करना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश में जून जुलाई में होंगी कॉलेजों की परीक्षा। लॉकडाउन खुलने के बाद 20 जून से फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाएंगी शुरू। इसके बाद 1 से 31 जुलाई तक फर्स्ट और सेकेंड ईयर की होंगी परीक्षाएं। सभी विश्वविद्यालय 10 अगस्त तक जारी करेंगे रिजल्ट। 1 सितंबर से नए सत्र की होगी शुरुआत। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में आज से कक्षा 1, 6, 9 और 11वीं के दाखिले होंगे शुरू। राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने फेसबुक पर शिक्षा पर चर्चा संवाद के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा, आज यानी 11 मई को होगी अहम बैठक। बैठक के बाद विभाग की ओर से इस संबंध में जारी किए जाएंगे निर्देश। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 41 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। 2,80,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। तेज हवाओं ने फिर बदला मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जताई बारिश की संभावना। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भी बारिश की आशंका।